हेलो फ्रेंड्स, इजी टू ग्रो गार्डन में देखो कितने खूबसूरत फूल आ रहे हैं ना। ये देखो बहुत ही खूबसूरत हैं। कोसकोम का पौधा है ये। इसे गांव में सैनिल भी बोलते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर पौधा है। पूरा पौधा देखो, और ये देखो टीन में लगा रखी हूँ मैं। देखो टीन है, टीन का डिब्बा है जिसमें सरसों का तेल आता है। और ये देखो गुलदाउदी, वो कली से भरी हुई है बिल्कुल। इसमें खूब सारे आ जाएंगे फूल। और ये तो बस पूछो मत ना, कोसकोम को ये देखो भरा हुआ है बिल्कुल। कोसकोम ही कोसकोम लगा रखी है। ये बहुत आसानी से हो जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो एक बार कहीं से ले आके लगा लो। इसमें देखो ये सीड बन रहे हैं। ये देखो ये सीड हैं, ये निकाल के और आराम से लगा लो। अगर कहीं से आपको मिल जाए तो इसे निकाल के रख लो, गमलों में डाल दो। बरसात होते ही अपने आप खुद ही हो जाते हैं, लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो लगाती भी नहीं हूँ, अपने आप ही हो जाते हैं। और ये देखो गुलदाउदी कितना खूबसूरत लग रहा ना, वाह। ये देखो ये बहुत सारे हैं गुलदाउदी हमारे पास, दूसरी तरफ रख रखे हैं। कितने प्यारे, अभी पूरी तरीके से खिले नहीं हैं, जब पूरे ही खिल जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे। छोटे से गमले में लगा रखी हूँ, कोई बड़ा गमला नहीं है। ये देखो छोटा सा गमला है, इसी में है। और ये मैंने कोसकोम जो है ये देखो टीन के डिब्बे में लगा रखी हूँ। इसी में देखो ये नट्रेशियम चल रहा है। ये देखो इसी में एक होली होक भी है, होली होक भी। अरे ये देखो गुड़हल की कटिंग लगाई थी, ये देखो ये गुड़हल की कटिंग लगाई थी, इसमें कली आ रही है। ये देखो कली, कहीं मर्जी कटिंग गाड़ देती हूँ फिर हो जाता है। इसका ग्रोथ देखो कितना ही अच्छा है ना। ये देखो फ्लावरिंग कर रहा है नट्रेशियम, ये सीड से लगाई थी। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी हूँ, सीड लगाई थी इसमें से और निकाल निकाल के और जगह में लगा चुकी हूँ। और ये अंडे का चूरा मैंने डाला है, ये इसके अंदर कोई खाद नहीं डालती मैं। और ये देखो बिल्कुल छोटे से में ही लगा रखी थी, ये रहा। ये देखो डिब्बे में लगा हुआ है, छोटे से डिब्बे में, बिस्लरी का डिब्बा पेंट कर रखी हूँ उसी में लगा रखी हूँ। देखो फ्लावरिंग हो रहा है इसमें भी, यहाँ से ऊपर से देखो टूट गया, फिर भी साइड से फ्लावरिंग हो रहा है। और इसमें देखो, इसमें नीचे तो मैंने पिटूनिया लगा दिया, ये पिटूनिया लगा हुआ है। और ये साइड में देखो ये कोसकोम चल रहा है। ये देखो कितना ही खूबसूरत फूल है ना, बिल्कुल एकदम मस्त फूल है। ये देखो ये भी छोटे से गमले में लगा है, इसमें एक बल्ब लगा रखी हूँ मैं, इसमें फूल आएगा। ये देखो ये लगा पड़ा है, ये लगा पड़ा है। और इसी में ये अपने आप सीड से उग आया, मैंने इसको लगाया नहीं, ये खुद ही हो गया। देखो कितना ही खूबसूरत फूल है ना। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। ये देखो ये दूसरे गमले में है।
देखो इसी में देंथस है मेरा, ये देंथस खिल रहा है, इसको सपोर्ट दे रखा है मैंने इस डंडी से, इस स्टिक से सपोर्ट दे रखा है। ये देखो, और ये ऊपर कोस्कोम, ये कोस्कोम है। तो ऐसे ही पौधा लगा लिया करो, एक गमले में दो दो लगा लिया करो। देखो टेंथस कितनी खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है ना, ये देखो, ये भी कोस्कोम, ये देखो कितना प्यारा है ना। ऐसे ही पौधा लगाया करो, एक गमले में दो दो पौधे, तीन तीन पौधे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैरीगोल्ड कितना खूबसूरत हो रहा है ना। बहुत खूबसूरती से फ्लावरिंग कर रहा है। और ये डहेलिया है, ये सीड से लगाई थी मैं डहेलिया। मैं तो आज कोस्कोम के ऊपर ही वीडियो बनाने वाली थी बस, कि कितना ही अच्छा खिला हुआ है। वीडियो पूरा देखा करें, जब समझ में आएगा आपको पूरा वीडियो देखा करो। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं है, बस यूं ही हो जाता है ये। इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने खाद, खाली अंडे का चूरा डाला है बस, कुछ भी नहीं डाला। इसकी देखो साइज़, देखो साइज़ तो देखो, पूरे हाथ से भी बड़ा है, हथेली से भी बड़ा है। कुछ इस तरीके से लग रहा है। देखो कितने सारे हैं ना, फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।